हेलो दोस्तों, अगर आप भी ड्रैगन मास्टर गेम के अंदर लॉगिन कर रहे हो या आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो दोस्तों, आपको भी अगर यही प्रॉब्लम आ रही है, आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो दोस्तों, अगर आपको भी यही प्रॉब्लम आ रही है, आपको मैंने लाइन जो ना निशान बना के दिखा भी दिया दोस्तों, अगर आपको भी यही प्रॉब्लम आ रही है, दी डिवाइस इज इट रिस्क एंड कैन नॉट लॉग इन इन टू दी गेम दोस्तों, अगर आपको भी यही प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊँ कि यार आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, इस मसले को आपने ठीक कैसे करना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और दोस्तों आपको बता दूं कि यार ये जो प्रॉब्लम है, दी डिवाइस इज इट रिस्क एंड कैन नॉट लॉग इन दोस्तों, अगर आप ये भी आपको ये भी बताऊं कि यार ये दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको आती क्यों है, ठीक है। तो दोस्तों आपने करना क्या है, सबसे पहले सिंपली आपने जो ना वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको फुल डिटेल से समझा सकूं कि यार आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, इस मसले को ठीक कैसे करना है। दोस्तों अगर आप वीडियो काट काट के देखोगे तो यार आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो दोस्तों वीडियो आपने एंड तक देखनी है। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यार हमें सपोर्ट करें। और दोस्तों आप सबके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो यार आप सबका एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि यार ये प्रॉब्लम आपको आती क्यों है। दोस्तों अगर आप जो ना अपने वाईफाई से इस गेम को चलाओगे तो दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है दोस्तों। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने जो ना अपने वाईफाई को बंद करना और आपने अपने मोबाइल को एक दफ़ा ऑफ करना और फिर जो ना आपने अपने मोबाइल को ऑन करना है, आप अपने मोबाइल को ऑन करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, सिंपली उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, अपने डेटा को ऑन करना है और उसके ऊपर जो ना इस गेम को चलाना है, ठीक है दोस्तों। अगर आप वाईफाई पे चलाओगे तो यार आपको यही प्रॉब्लम आएगी दोस्तों, ये जो गेम है वो सिम के इंटरनेट पर चलती है, ठीक है दोस्तों। तो आपने ये चीज़ देख लेनी है, ठीक है। आपने जो ना अपने सिम के ऊपर जो ना इंटरनेट ऑन करना है और उसके ऊपर जो ना आपने इस गेम को यूज़ करना है। और दोस्तों आपको बता दूँ, अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो दोस्तों फिर आपने क्या करना है, आपने जो ना अपना डेट एंड टाइम देख लेना, ठीक है, जिसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है दोस्तों। तो आपने देख लेना है कि यार आपका जो डेट एंड टाइम है वो सेट है कि नहीं है। तो आपको बता देता हूँ कि यार वो आपने जो ना सेट कैसे करना है, तो मैं आपको सेटिंग पे ले जाता हूँ पहले। तो दोस्तों मैं जो ना अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ ऊपर देख सकते हो सर्च लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो। तो इस सर्च के ऊपर आपने जो ना क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ आपने जो ना डेट एंड टाइम लिखना है। डेट भी लिख दोगे तो आपके सामने डेट एंड टाइम आ जाएगा, यहाँ आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर पर डेट एंड टाइम आ गया, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। और दोस्तों क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपने जो ना यहाँ आप यहाँ देख सकते हो सेट ऑटोमेटिकली, ठीक है, इसको जो ना आपने इनेबल कर देना, ठीक है, आपने इसको ऑन कर देना। अभी मैं ऑफ कर देता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो ये जो ना अभी ऑफ हो गया। और दोस्तों फिर आपने जो ना इसे ऑन कर देना, ठीक है दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो खुद ब खुद इंटरनेट के थ्रू अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों फिर आपने चेक करना है कि यार फिर आपने चेक करना है कि यार ये प्रॉब्लम आपको आ रही है कि नहीं। ये दो चीज़ें चेक करने के बाद फिर आपने चेक कर लेना है कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है। दोस्तों अगर फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आती है, फिर आपने क्या करना है, सिंपली आपने क्या करना है, फिर भी अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, या आप ड्रैगन मास्टर गेम देख सकते हो, इसके ऊपर आपने जो ना थोड़ी देर दबा के इसको रखना है ड्रैगन मास्टर गेम को, तो आपके सामने एक ऑप्शन खुलेगा, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपने देखा कि एक ऑप्शन खुल गया, ठीक है। अब आपने करना क्या है, सिंपली यहाँ आपने जो ना ऐप इन्फो के ऊपर जो ना क्लिक करना है, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद क्या करना है, आपने जो ना यहाँ स्टोरेज यूजेज पे क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्लियर कैचा और क्लियर डेटा दोनों कर देना है, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद क्या करना है, आपने जो ना अपने मोबाइल को एक दफ़ा ऑफ कर देना और फिर ऑन करके फिर आपने चेक करना है कि यार ये जो प्रॉब्लम है ये आपको आ रही है कि नहीं। दोस्तों अगर फिर भी आपको आ रही है तो फिर आपने क्या करना है, आपने जो ना अपनी गेम को ड्रैगन मास्टर गेम को अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। अनइंस्टॉल करके फिर आपने जो ना इंस्टॉल कर देना। और दोस्तों आपको बता दूँ, जो क्लियर कैचा और क्लियर डेटा है, इससे होता क्या है दोस्तों, इससे ये होता है कि इसके अंदर कोई ऐसी फाइल आ गई हो जिसकी वजह से आपको जो ना ये गेम को चलाने में मसला कर रहा है, कोई ऐसा बग आ गया हो जिसकी वजह से आपको जो ना ये गेम के अंदर ना मसला कर रहा हो। तो दोस्तों वो क्या होता है कि वो हट जाता है, वो क्लियर हो जाता है, ठीक है, ख़त्म हो जाता है। जो आपकी ऐप होती है वो बिल्कुल दोबारा से वैसे हो जाती है जैसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हो। लेकिन दोस्तों आपने क्या करना है कि इसको क्लियर कैचा करके देख लेना, क्लियर डेटा करके भी देख लेना। और दोस्तों उसके बाद भी नहीं होता तो आपने अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर देना। और दोस्तों मैं आपको कहता हूँ 100% जो आपकी ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको दोस्तों ये बता दूँ, ज़्यादातर जो ये प्रॉब्लम आती है वाईफाई की वजह से आती है, वाईफाई ऑन होने की वजह से आती है, ठीक है।
तो दोस्तों आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल ही वाईफाई से इस गेम को नहीं चलाना है। तो दोस्तों अगर वीडियो देखकर भी कुछ समझ ना आया तो यार मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। और दोस्तों फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो मुझे कमेंट कर देना, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं सॉल्व कर दूंगा। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यार हमें सपोर्ट करें। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।